अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें वज़न भी रखती हैं और जो जगह भी लेती हैं उनको हम मैटर कहते हैं। तो मैटर की हम डेफिनेशन करेंगे, एनीथिंग, हर वो चीज़ दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरती है एंड हैव वेट, और क्या रखती है, वज़न रखती है। मतलब हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें वज़न रखती होंगी और जो जगह घेरती होंगी उन सब चीज़ों को हम कहेंगे मैटर। ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड को अगर हम वॉल से नीचे उतारें, बोर्ड का भी एक वज़न है और बोर्ड ने जगह भी घेरी हुई है, तो बोर्ड क्या है, वो भी एक मैटर है। मैं हूँ, ठीक है, मैंने जगह भी घेरी हुई है नीचे, लेकिन मेरा वज़न भी है, मैं भी एक मैटर हूँ। बोर्ड मार्कर्स हैं मेरे हाथ में, इनका भी वज़न है, और अगर हम इनको एक जगह के ऊपर रख दें तो ये भी जगह घेरते हैं। ठीक है, तो हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं। ठीक है, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, थ्री। एक होती है सॉलिड, एक को कहते हैं लिक्विड, एक को कहते हैं गैस। सॉलिड वो होती है जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, एक फिक्स शेप जिस चीज़ की होगी ना, वो हमें, उसको हम कहेंगे सॉलिड। जैसे कि ये बोर्ड मार्कर्स हैं, बोर्ड मार्कर की एक डेफिनेट शेप है ना, इसको हम कहेंगे सॉलिड। अगर हम बोर्ड मार्कर को किसी और जगह पे रखते हैं तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी, जो इसकी शेप है इसकी वही बरकरार रहेगी। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें ये मेरे हाथ में कप है, ये मार्कर है, मार्कर को मैंने कप में रखा है, तो मार्कर की जगह शेप चेंज नहीं ना हुई, ये उसी शक्ल में है जैसी शक्ल में पहले था। तो इसको हम कहेंगे, हर वो चीज़ जो अपनी असली हालत में रहती है उसको हम कहते हैं सॉलिड। जैसे ये कप है, कप भी सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है लिक्विड। लिक्विड वो चीज़ें होती हैं जिनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, उनको आप जिस शेप में डालना चाहें उस शेप में डाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक गिलास है, इस गिलास में पानी है, तो ये पानी जो है वो गिलास की शेप ले ली है पानी ने। इस पानी को जब हम इस कप में डालेंगे तो ये पानी जो है ये कप की शेप में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है गैस। गैस जो है इसकी कोई भी शेप नहीं होती, ठीक है, गैस की कोई भी शेप नहीं होती, गैस जो है ये फैल जाता है। गैस को आप जैसे ही छोड़ेंगे तो गैस इर्द गिर्द सारी जगह जो है वो घेर लेगा। इसकी एग्जांपल आप लें, आप लोग बॉटल्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, जब आप उसको ओपन करते हैं, कवर को ओपन करते हैं, तो उसमें से एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ गैस की होती है। ठीक है, जैसे ही आप कवर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर से गैस निकल जाएगी। दो तीन बार आप बॉटल को खोलेंगे तो उसमें से गैस ख़त्म हो जाएगी, जब आप दोबारा उसको खोलेंगे तो उसमें से आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि गैस जो है वो हवा के अंदर फैल गई हुई है। हवा जो है वो भी गैसों का मजमू है, हवा के अंदर भी गैसेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट किस चीज़ की, एटम्स की। एटम क्या होते हैं, एटम वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके ये बने हुए होते हैं। ठीक है, अब ये बोर्ड मार्कर है, ये बोर्ड मार्कर भी किसी चीज़ का बना हुआ है ना, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मिलके इन चीज़ों को बनाते हैं उनको हम कहते हैं एटम्स। एटम क्या हैं, एटम क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट का मतलब छोटा तरीन, पार्टिकल का मतलब हिस्सा है, सबसे छोटा हिस्सा है जो मिलके, जो ढेर सारे मिलते हैं तो ये तीनों चीज़ें बनती हैं। ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होती है, सॉलिड में पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ होते हैं। ठीक है, साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, इनके दरमियान में स्पेस नहीं होती, ये बिल्कुल साथ साथ अटैच होते हैं, इस तरह से इनके दरमियान में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए सॉलिड की जो है वो फिक्स शेप होती है। जबकि लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में ये वाले पार्टिकल जो हैं ये थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, इनके दरमियान में ये जो खाली स्पेस होती है इसमें ये मूव करते रहते हैं, तो इसलिए इनकी शेप जो है वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है, अब ये जो पानी है, पानी की, जब हमने पानी को ग्लास में से कप में डाला है तो इसकी शेप क्यों चेंज हुई है, इसकी शेप चेंज हुई है जब इसके ये जो पार्टिकल्स हैं ये कप में, कप क्योंकि छोटा है, ठीक है, तो कप में जब ये पानी आया तो ये पार्टिकल्स आपस में करीब करीब आ गए हैं। प्लेट में डालेंगे आप, प्लेट जो है वो बड़ी होती है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी होती है प्लेट, तो प्लेट में ये वाले पार्टिकल्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इसी तरह गैस जो है, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स में एक स्पेस होती है लेकिन कम होती है, गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। तो जैसे ही आप गैस को छोड़ते हैं तो गैस जो है वो
फैल जाती है इर्द गिर्द हवा में। इसके एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जब आप बैलून के अंदर हवा भरते हैं, बैलून को ऊपर से बंद नहीं करते हैं, ठीक है, बैलून के अंदर हवा भर के आप बैलून को ऐसे छोड़ते हैं तो बैलून जो है वो आपके हाथ से निकल के दूर जाके गिर जाता है। और जब उसके अंदर हवा, जितनी देर तक उसके अंदर गैस होगी उतनी देर तक वो हवा में रहेगा, जैसे ही उसमें से गैस ख़त्म होगी गुब्बारा जो है वो बंद होके ख़त्म होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। आज हमने डिस्कस किया मैटर, मैटर क्या होता है, मैटर हर वो चीज़ होती है जो जगह भी घेरती है और वज़न भी रखती है। उसके बाद हमने मैटर की तीन स्टेट्स को डिस्कस किया, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस। ठीक है, सॉलिड जो है उसकी पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में बिल्कुल साथ साथ होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इस वजह से सॉलिड जो है उनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। लिक्विड जो है उनका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता, गैस जो है उनका वॉल्यूम और शेप होती नहीं है। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, गैस जो है उसकी नो शेप नो वॉल्यूम, लिक्विड जो है उसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं है लेकिन शेप जो है वो होती है, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जबकि सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होगा। डेफिनेट का मतलब होता है कि एक फिक्स है जो चेंज नहीं हो सकता, शेप एंड वॉल्यूम। थैंक यू।